हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न, मेरा चैनल यूनिक एटम में आपको स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपका के पेटीएम अकाउंट है तो पेटीएम अकाउंट में आप कैसे बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। देखिए, जो भी बैंक अकाउंट आप लिंक करेंगे उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आप कहीं पर भी मनी सेंड करते कर सकते हैं और मनी रिसीव भी कर सकते हैं। तो आपको पेटीएम के थ्रू ही सब मनी रिसीव करना है, सेंड करना है, अगर आप वो बैंक अकाउंट को अपने पेटीएम अकाउंट से लिंक करेंगे। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट को इस पेटीएम अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। ये मेरा पेटीएम का अकाउंट है, अभी इसमें मैं एक बैंक अकाउंट लिंक करके बताऊंगा। अगर आपको रिमूव भी करना है तो रिमूव भी करके बताऊंगा। तो उससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वो वीडियो पहले देख सकें। अगर आप अगर आपको पेटीएम के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जाइए मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर पेटीएम करके प्ले लिस्ट लिंक है, उस लिंक को ओपन करके आप पेटीएम में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, कुछ नया अपडेट भी दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि कैसे आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है पेटीएम के साथ। तो पहले आपको लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए आप प्रोफाइल के सेक्शन जाना है और आपका ऐसे आइकन खुलेगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपका नाम लिखा है, आपका UPI ID है, तो आप यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट, तो आपको यहाँ पर लिंक कर बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। दो तरीके हैं, मैं दो तरीके आपको बताऊंगा अभी। एक तरीका पहला इस तरीके से बताऊँगा, फिर और भी एक तरीका है जो भी और भी तरीके मैं आपको बताऊँगा। तो आप जब भी लिंक अकाउंट जाएंगे तो आपको एक अकाउंट लिंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट लिंक है। तो आप पहले से अभी मैं स्टेट बैंक का अकाउंट को लिंक करूँगा, तो उसके लिए ऐड अनदर बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जब भी ऐड अनदर बैंक अकाउंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा बैंक अकाउंट आ जाएगा, जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे है। तो आपके अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर है तो आप यहाँ से बैंक अकाउंट को सर्च भी कर सकते हैं। तो मुझे स्टेट बैंक का करना है तो मैं स्टेट बैंक के जाता हूँ और देखिए ये मोबाइल नंबर के साथ अभी ये सर्च कर रहे हैं। मैं अभी स्टेट बैंक मेरा फोन पे या गूगल पे ऐड है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, अभी डायरेक्टली ऐड हो चुका है। अगर आपका कहीं पे भी ऐड नहीं होगा तो आपको जब भी बैंक अकाउंट चूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको आपका ATM कार्ड का थ्रू आपको UPI PIN जनरेट करना पड़ेगा। अभी मेरा अकाउंट है तो मैं इसलिए ऐड हो गया, तो अभी ऐड तो हो चुका है तो आप यहाँ से चेंज पिन कर सकते हैं, चेक बैलेंस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। या आप अगर आप चाहते हैं कि अपना जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसको रिमूव कैसे करें, तो सिंपल से है कि आपका जो बैंक अकाउंट रिमूव करने यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन है, आप रिमूव कर सकते हैं। तो एक देखिए ये जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये अभी रिमूव हो रहा है, अभी यहाँ पर रिमूव हो गया। तो ये एक तरीका था। तो दूसरा तरीका क्या है, तो हम चलते हैं आपको होम पेज में, या हमारा होम पेज है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर माई पेटीएम और यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट और लिंक बैंक अकाउंट पर ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो डायरेक्टली आप आ चुके हैं बैंक अकाउंट पे, आप यहाँ से जो भी बैंक अकाउंट आपका है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर चूज करिए और वो आपका अकाउंट ऐड जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, मैं स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऐड करता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर से लिंक है। ध्यान रखना है आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल हो लिंक होगा उसी नंबर का पेटीएम अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो आपका लिंक नहीं होगा। अगर आप कोई दूसरा नंबर पे पेटीएम अकाउंट है और आपका बैंक में कोई और दूसरा अकाउंट लिंक है तो इसमें आप अपना बैंक को पेटीएम में से लिंक नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मोबाइल नंबर जो होगा आपका पेटीएम अकाउंट उसी नंबर सेम नंबर पे होगा। तो देखिए अभी ये यहाँ पे आ चुका है कि अब यह आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से प्रोफाइल पर जाएंगे तो लिंकड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों बैंक अकाउंट फिर से दिखाई देगा। तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस ही यहाँ पर रिमूव अकाउंट कर सकते हैं और आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा। अगर आप दूसरा भी कोई अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड अनदर बैंक अकाउंट है, तो आप यहाँ से ऐड अनदर बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप पेटीएम में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर जो भी बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा तो आपका यहाँ पर एक UPI ID जनरेट हो जाएगा, ये UPI ID के थ्रू आप जो भी बैंक अकाउंट को प्राइमरी अकाउंट करेंगे, जैसे कि अभी ये मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक सिलेक्ट है, इसका मतलब पेटीएम इसी वो जो UPI ID है या QR कोड या UPI ID जो भी पेमेंट भेजेगा तो मेरा पेटीएम ये जो अकाउंट ऊपर है उसमें ही जाएगा। अगर मैं इसको स्टेट बैंक को सिलेक्ट कर लूँ तो अभी जो QR कोड के थ्रू जो पेमेंट करेगा या जो भी अपना UPI ID के थ्रू भेजेगा तो वो पेमेंट स्टेट बैंक अकाउंट पर आ जाएगा। तो ऐसे आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और आप बैंक अकाउंट को सेंड कर, देखिए अभी मैं मनी अगर किसी के पास मनी सेंड करना चाहूँ ना तो अभी मैं आता हूँ स्कैनर पे, तो मैं कोई भी एक QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ कोई भी, जैसे कि मैं एक अभी ये स्कैन कर दिया हूँ। अभी स्कैन करने के बाद देखिए
यहाँ पर आप स्टेट बैंक का ऑप्शन आ चुका है, तो आप चाहें चूज सेट चेंज करके आप फिर से पेटीएम पेमेंट बैंक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप से, आप यहाँ से पेटीएम पेमेंट बैंक करके पेमेंट भेज सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट स्टेट बैंक के थ्रू पेमेंट भेज सकते हैं। तो ऐसे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं पेटीएम में और ट्रांजेक्शन कर सकते, चाहे मनी सेंड कर सकते, चाहे मनी रिसीव कर सकते। तो ये था पूरा वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वीडियो पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया निकल लिया।